नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। दोस्तों, आज ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो KGMU एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। KGMU स्टाफ नर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। इसके अंदर दोस्तों रीजनिंग, GK, मैथ कहाँ से पढ़ें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आपने नर्सिंग का बता दिया लेकिन अदर सब्जेक्ट के बारे में कहाँ से हम पढ़ें, कहाँ से हम पढ़ाई करें ताकि अदर सब्जेक्ट का जो हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए। तो दोस्तों 60 नंबर की आप लोगों की नर्सिंग और 40 नंबर की नॉन टेक जो आप लोगों की आने वाली एग्ज़ाम के अंदर, दोस्तों वो बहुत कहीं ना कहीं मेरी डिसाइड करने में हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं सिलेबस की तरफ, फिर मैं आपको पूरा वीडियो बताता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर 100 नंबर का जो पेपर है जिसके अंदर 60 नंबर की नर्सिंग सब्जेक्ट, फिर इंग्लिश 10 नंबर, GK 10 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर और मैथ भी आप लोगों की 10 नंबर की एग्ज़ाम में आने वाली है। तो दोस्तों टोटल जो आप लोगों का 40 मार्क्स जो हुआ वो नॉन टेक का हुआ और 60 नंबर जो आपके हुए वो नर्सिंग सब्जेक्ट के हुए। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम पेपर और 100 मार्क्स का पेपर, जो कि बहुत ही आप टाइम आपके पास में बहुत अच्छा है। इसके अंदर टाइम की कोई कमी आप लोगों के लिए नहीं रहने वाली है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आप लोगों के लिए मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा, इसके अलावा नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को एक्चुअली एग्ज़ाम की तैयारी करनी कहाँ से है। दोस्तों अगर हम बात करें, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जहाँ पर नर्सिंग की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है, तो आप दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएँ, जिससे आप लोगों को नर्सिंग की सारी अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों अब बात करते हैं नॉन टेक एक्चुअली पढ़ना कहाँ से है। दोस्तों टारगेट हाई बुक के पीछे इस प्रकार से चैप्टर्स दिए हुए हैं, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोस्तों इसके अंदर जो आप लोगों के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं शॉर्ट एंड स्वीट्स में दिए हुए हैं, 4 या 5 पेजेस के अंदर आप लोगों की सारे जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं। दोस्तों नर्सिंग में वही जो क्वेश्चंस हैं बार बार रिपीटेड होते हैं जो एक बार आते हैं ये एग्ज़ाम्स के अंदर। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर टारगेट हाई बुक के अंदर या फिर कोई भी ऐसी बुक हो जिसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस आपके टॉपिक्स दिए हों, वो टॉपिक आप एक बार ज़रूर देख लें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बार बार देखने को मिलते हैं। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है, मनोहर अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन ₹300 इन 6 days। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें जिससे आप लोगों के मैथ के क्वेश्चन इवन कभी गलत ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। लुक एट दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा। दोस्तों 5-6 पेज के अंदर ये भी आप लोगों की रीजनिंग भी उस बुक के अंदर दी गई है, जिसके अंदर आप लोग पूरा कम्प्लीटली रीजनिंग भी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं GK की। तो GK दोस्तों लास्ट 6 मंथ का जो रिसेंट GK है, दोस्तों क्या देश में हो रहा है, क्या UP में हो रहा है, मेनली UP की जो GK है वो आपकी 80% के लमसम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, यानी कि 10 सवाल में से 8 सवाल आपको ज़रूर से UP के ही देखने को मिलेंगे। तो यूपी की GK आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, वो आप ज़रूर से प्रैक्टिस करें, जो आप लोगों की हर मंथ या तो किसी भी YouTube चैनल से या फिर हर मंथ की जो बुक आती है दोस्तों, जिसके अंदर रिसेंटली इस महीने क्या हुआ महीने वाइज वो बुक आती है, तो दोस्तों ज़रूर पढ़ें एक बार और न्यूज़ को ज़रूर देखें। यूपी की जो रिसेंटली जो न्यूज़ चल रही है वो ज़रूर देखें, वो आपको बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।